तो फाइनली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब हिसाब ये लगाया जाए कि उनको वहाँ क्या मिलेगा। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तब तो कहा जाएगा कि उन्होंने एक ऐसा गेम खेला जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए और बीजेपी ने उनको कुछ MLAs को साथ में लेके आने के कारण मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब बीजेपी ने उनको राज्यसभा की उम्मीदवारी दे दी है, यानी वो राज्यसभा में आएंगे और दिल्ली में एक मंत्री बन जाएंगे। वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोस्ट लाइकली कैबिनेट का रैंक उनको मिल सकता है। अगर वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ऐसे में राज्य की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका क्या होगी। क्योंकि जो बात सामने आ रही है उसमें बात तो यही थी ना, सारा झगड़ा इस बात का था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिल करके उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में वो स्पेस नहीं दे रहे जो वो डिज़र्व करते हैं, वो सम्मान नहीं दे रहे वो जो डिज़र्व करते हैं। और जब उन्होंने दिल्ली की लीडरशिप से बात करने की कोशिश की तो वहाँ से उनको जो भी रिस्पॉन्स मिला होगा जाहिर है कि निराशाजनक मिला होगा। उसी का नतीजा ये है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके वहाँ जाने का फैसला किया बीजेपी में, जिसको वो लगातार फील्ड में जब थे और कैंपेन कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से तो आलोचनाएं करते थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि 18 साल में 8 प्रमोशन उनको दिए गए, पार्टी में उनका बहुत सम्मान किया गया, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बावजूद इसके इनको काफी कुछ मिला और लोकसभा में डिप्टी लीडर तक ये बन करके आए थे। इसके अलावा बहुत सारे पदों पर ये रहे हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। तो उनकी ये जो शिकायत है कि पार्टी में उनको जो वो डिजर्व करते वो नहीं मिला, ये गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस अब अपोजिशन में ही रहने वाली है, मध्य प्रदेश में मेरा रोल नहीं बढ़ रहा और ऐसे में, या मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, कमलनाथ ही वहाँ बने रहेंगे, ऐसे में मैं अपने और ग्रीनर पॉस्चर्स को देखूं, तो उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला तो कर लिया। लेकिन बीजेपी जिन बाहर के लोगों को अपनी पार्टी में लेती है उसके बारे में उनके यहाँ बिल्कुल क्लियर मॉडल है वो कैसे काम करता है, इसको समझ लें। जहाँ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, आसाम है, वहाँ पर हिमंता बिस्व शर्मा को जो जगह मिलेगी, या जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके बंगाल में जो लोग आएंगे क्योंकि वहाँ उनके पास ढांचा ही नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा रोल आपको मिल सकता है। लेकिन उस मध्य प्रदेश में जहाँ शिवराज सिंह चौहान हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रभात झा हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े भारी भरकम नेताओं की भीड़ में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी वो स्पेस कार्व आउट कर पाएंगे जिससे वो राज्य की राजनीति में इफेक्टिव दखल रख सकें। हमको लगता है कि शायद ऐसा होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी में होगा कि बाहर के लोगों को आप तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक सरकार बनेगी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ लोग मंत्री बन जाएंगे, लेकिन उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल वजन बढ़ना, आगे की भविष्य की तैयारी करना, उसके लिए कोई ज़मीन बीजेपी देगी या नहीं देगी, ये एक बड़ा विवाद है जिस पर सब लोग अभी बहस कर रहे हैं, स्पेकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम इसकी अलग अलग एस्पेक्ट की चर्चा आपके सामने भी रख रहे हैं। गुना ग्वालियर की राजनीति की अगर चर्चा करें तो उसमें एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि वहाँ से ज्योतिरादित्य हमेशा चुनाव लड़ते आए हैं, या पहले वहाँ से इनके पिता भी लड़ते थे। वहाँ पर पिछले 3 चुनाव का अगर हिसाब लगाएं तो 2009 में 63% का वोट, 2014 में 53% का वोट और 2019 में ये सीट हार गए थे वो, जहां उनको मिला 40% से थोड़ा ऊपर का वोट। तो एक प्रकार से वहां पर अपने फीफडम में, अपने खुद के इलाके में, जिसके बल पर, उन 4-5 इलाकों के बल पर ज्योतिरादित्य की राजनीति चलती है, वहाँ पर भी एक रिसीडिंग वोटिंग पैटर्न भी उनके लिए हेडेक था। क्या वो बीजेपी में आकर के रिपेयर हो जाएगा, क्या वहाँ पर बीजेपी के दूसरे लोगों को अकोमोडेट करने में सिंधिया जी का जो पावर शेयर है वो कम नहीं होगा, या क्या कांग्रेस वहाँ दोबारा आकर के जोर से लड़ने की तैयारी नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि वहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, उस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं, क्या वहाँ पर उनको उतनी स्पेस मिल पाएगी और इनके कहे मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। बीजेपी इस तरीके से चलती नहीं है। तो जो लोग दूसरी पार्टियों से आते हैं उनको बीजेपी बहुत समय तक एक प्रकार से पार्किंग लॉट में रखती है, उसके बाद उनको कोई एक मौका दे देती है। जब लाती है तो बड़े धूमधाम से लाती है। उसका एक उदाहरण आप देख लें कि जब मेनका गांधी ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया था, या वरुण गांधी भी साथ में बीजेपी में आए, दोनों का एक मंत्री पद, एक का MP बनना, ये वगैरह सब चलता रहा, लेकिन ये वन ऑफ द मिनिस्टर बनकर रह गए, खास करके तब, जबकि आज की बीजेपी बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम में चलती है और 2-4 मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी सब लोग एक प्रकार से
उस तरह से अहम रोल में नहीं है जो उनके बारे में एक पब्लिक परसेप्शन बनाया जा सकता है या लोग बनाते रहते हैं। ऐसे में एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे जयंत सिन्हा लाए गए, उनको MOS फाइनेंस बनाया गया, उसके बाद उससे हल्का मंत्रालय दिया गया, फिर जीत के आए, लेकिन अब उनको कोई मंत्रालय नहीं मिला है। उनके पिता यशवंत सिन्हा बहुत लंबे इंतजार के बाद किसी तरीके से वाजपेयी जी के ज़माने में वित्त मंत्री बन पाए थे। तो क्या पद मिलेगा और वो पद पावर लीवरेज के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें बाहर से आए हुए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर जो सोच के आए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आसानी से और जल्दी से हो जाए, ये बीजेपी का मिजाज नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने बहुत लोग हैं। एक और मुद्दा कांग्रेस पार्टी के बारे में बार बार डिस्कशन में आता है, वो ये है परिवारवाद वर्सेस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, और दूसरी बात आती है यंग वर्सेस ओल्ड। ये मुझे लगता है थोड़ा सा डिबेट को पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे नेता, उनके बारे में हम लगातार सुनते हैं कि उनको शिकायत है कि उनको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि बुजुर्ग नेता बैठे हुए हैं। क्या उन्हीं की उम्र के बहुत सारे और लोग पार्टी में नहीं हैं, लेकिन शायद उनके साथ चूंकि परिवार का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो हमारी बहसों में चर्चाओं में वो बातें कम होकर के सामने आती हैं। इसीलिए ये जो मुद्दा है कि यंग लोगों को मौका नहीं मिल रहा, इसके कारण से पार्टी छोड़ी, ये फ्रस्ट्रेशन सही है, ये हो सकता है, लेकिन ये एक कारण नहीं हो सकता कि कोई पार्टी अपनी भविष्य की रूपरेखा इस प्रकार से तय करे। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत दूसरी है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि काउंटर आइडियोलॉजी कैसे करे, वो उसका नैरेटिव नहीं ढूंढ पा रही है। सेंट्रल लीडरशिप के लेवल पर उसके स्ट्रक्चर और उसका सक्सेशन प्लान पूरा ठीक से हैंडल नहीं हो पा रहा है। ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत लंबा चल गया है, ये एक अनिर्णय है, और उसके कारण लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। तो हम ये वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहे कि कांग्रेस पार्टी में जो कमजोरियां हैं उसके कारण लोग क्यों ना छोड़ें, बिल्कुल छोड़ें, लेकिन जो छोड़ रहे हैं और जो दूसरे ग्रीनर पॉस्चर में जा रहे हैं, वहां नफे नुकसान का हिसाब देखा जाए, इसकी एनालिसिस को हम करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो दूसरी दिक्कत है वो यही है कि वो जिन लोगों के बारे में मालूम है कि ये पोटेंशियल लोग हैं, नाराज हो सकते हैं, इनको अकोमोडेट करना काम है, उनसे इस पार्टी में संवाद ही नहीं है। ये बहुत सारे नेता मिलते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली में जाकर के कांग्रेस पार्टी में हम बात किससे करें, किससे हमको क्लैरिटी मिले और गाइडेंस मिले, ये हमको पता ही नहीं चलता। तो ये सब वो अननोन्स हैं जो हमेशा पॉलिटिक्स में बने रहते हैं, आगे भी बने रहेंगे। लेकिन यहां पर नेट रिजल्ट ये देखा जाएगा इस वक्त कि ज्योतिरादित्य जो एक फ्रस्ट्रेशन में नाराज होकर निराश होकर के कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उनको बीजेपी में क्या मिल रहा है। क्योंकि याद रखिएगा कि बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशनल ज़रूरतों के लिए इंडिविजुअल की सेवा ली जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय को तो सबसे नाराज आदमी होना चाहिए क्योंकि वो उनको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार वहाँ मुख्यमंत्री बने रहे तो भी वो पार्टी में टिके रहते हैं, पार्टी का काम करते रहते हैं। लेकिन कोई इंडिविजुअल एस्पिरेशन को एकोमोडेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव किया जाए, ये बीजेपी का तौर तरीका नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिंधिया जी इस बात को समझते भी होंगे।